किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि मैंने 3 से 5 फरवरी के बीच में अपने अमरूद के बाग की कटिंग की, लगभग कल उसको 2 महीने हो चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो क्यों नहीं दिखा। मैंने जो अपने घर पर अमरूद था वो दिखाया था, एक अमरूद, और उसके बारे में मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं और बहुत लोगों ने उसको सराहा भी है कि जी हमने भी कटिंग की है। कुछ लोगों ने देर कर दी कटिंग करने की, उन्होंने कहा जी हम आगे से ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा लगता है कि चलो ऐसी एक बात है, कहते जी हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने भी ये नहीं बताया, किसी ने भी नहीं किया, चलो अच्छी बात है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 60 दिन होने पर अमरूद के बाग में जो हमने कटिंग की थी 60 दिन पहले, उसमें अब क्या क्या कार्य। तब से मैं अपने अमरूद में 3 बार पानी दे चुका हूँ। मेरे यहाँ ड्रिप इरीगेशन नहीं है, फ्लड इरीगेशन है, पानी की कोई कमी नहीं है, मीठा पानी है तो मैं फ्लड इरीगेशन देता हूँ। कुछ लोग ने कटिंग की, उनके पौधे कुछ डालियाँ सूख गई, उनमें कोई बीमारी आ गई। मुझे आज तक ये नहीं पता चला अपने बाग में कि बीमारी क्या चीज़ होती है। किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं वेस्ट डिकम्पोजर का हर 5 दिन में 1 बार छिड़काव करता हूँ और जब भी मैं पानी देता हूँ उसमें वेस्ट डिकम्पोजर 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता है। मेरे से बहुत क्वेश्चन आने लगे अब जो ना वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर, आप कितना डालते हैं, कैसे करते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैं 1 एकड़ में 1000 लीटर पानी के साथ में देता हूँ और हर 5वें या 6ठे दिन, कम से कम 5वें दिन मैं अवश्य उसका 50% का, अभी चूंकि पौधे मेरे नए पत्ते थे तो मैं 50% का छिड़काव करता हूँ और अब 10 दिन बाद मैं उस पर 100% का छिड़काव करूँगा और पत्ती का रस और माइक्रोन्यूट्रेंट भी अब देने का समय आ गया है। उसको जो अब की बार मेरी वो होगी छिड़काव होगा उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट, चूंकि मेरा अगले संडे को तैयार हो जाएगा तो माइक्रोन्यूट्रेंट और पत्तियों का रस भी डाला जाएगा ताकि उस पर कोई भी, चूंकि अभी उसमें मैं दिखाऊंगा कलियां आने लगी हैं और वे कलियां जब फूल बनेंगे तो कीड़े मकोड़े भी आएंगे, बहुत आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो उनसे बचाव के लिए, ताकि के कोई भी शत्रु कीट ना आए, उनसे बचाव के लिए पत्तियों का रस देना जरूरी है। और चूंकि पौधे को बहुत एनर्जी चाहिएगी तो मैं उसमें जड़ में भी थोड़ा डलवाऊंगा, 10% का घोल डलवाऊंगा उनकी जड़ों में स्पेशली, और 10% का छिड़काव में 2 बार कटिंग होने से पहले 2 बार माइक्रोन्यूट्रेंट अवश्य। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अमरूद में क्या क्या काम हमने अब तक किए हैं कटिंग के बाद में और क्या अब करेंगे। कुछ काम मैंने आज ही शुरू करवाए हैं, बल्कि कल से कर रहा हूं और आज भी करेंगे। मैंने अपने जो लेबर है मैंने उनको समझाया गया है, बताया गया है, और कुछ काम हम अगले सप्ताह करें। तो अभी क्या काम कर रहे हैं हम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं अमरूद के बाग। किसान भाइयों, मैंने कुछ जब कटिंग की थी तो कुछ मैंने जो पेड़ मेरे खराब हो गए थे पॉलीथीन ना काटने की वजह से, उनको रिप्लेस किया था, लेकिन कुछ ये पेड़ जो है ना, ये मेरे, एक तरह से ये समझिए, मैंने नहीं बताया था किसी को कि ये पेड़ मैंने किसी नर्सरी से मंगाए थे और ये VNR बिही के पेड़ हैं। ये पेड़ जो है ये VNR बिही के हैं और ये पौधा मुझे 100 रुपये में पड़ा। आज मैं आपको 2 तरह के पेड़ दिखाता हूँ। एक तो ये पेड़ है जिसकी हमने कटिंग की थी और ये पेड़ है जिसकी कि हमने पौधारोपण किया था। तो 1 महीने बाद ये पेड़ कैसा हो गया और 2 महीने बाद ये पेड़ कैसा है, ये देखिए। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए जरा, इस पेड़ को, इसकी लंबाई लगभग अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई 3 फीट होगी, इसका ये लंबाई 3 फीट होगी। इसकी जो ग्राफ्टिंग है बिल्कुल सही तरीके से हुई हुई है, ये देखें नीचे 6 इंच ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग है और ये 3 फीट का है। अगर हम इसको चलने दें ऊपर से, ये वाली जो हमारी शाखा है इसको चलने दें तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी और पौधा लंबा हो जाएगा, टूटने का खतरा होगा, ठीक है। लग आओ इसकी कटिंग। अब आप ये ध्यान से देखिए इसकी कि इसमें जो है ना, ये कल्ले देखिए, ये नीचे से ही ये कल्ले शुरू हो गए। ये देखिए एक कल्ला ये है नीचे से,
ये ऊपर इसके दूसरा कल्ला है, इसके बाद ये देखिए कल्ले शुरू हो गए, ये कल्ले शुरू हो गए, ये कल्ले शुरू हो गए, देखिए हर उसमें कल्ले आए हुए हैं, ये देखिए कितने अच्छे कल्ले चल रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ से हम इसको 2 फीट, चलो भाई नापो इसको, तो हम इसे 2 फीट नाप के, 2 फीट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, देखिए ये हमारे कंवरपाल जी हैं, ये 2 फीट हो गया, तो 2 फीट से थोड़ा सा ऊपर ले लो, और ऊपर ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक। तो आप देखिए 2 फीट यहाँ है, इसके ऊपर कितने कल्ले हैं, छोड़ दो, 1, 2, 3 कल्ले हैं, तो हम इसे 2 फीट नहीं रखेंगे, यहाँ से हम इसमें कटिंग कर देंगे, यहाँ से कटिंग कर दो, इसे कटिंग कर दो, यहाँ से, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से ये काट दिया, ठीक है। अब हमने ये कटिंग कर दिया, अब क्या होगा कि इसको काटने से इस पर हम जरा सा पेस्ट लगा देंगे, और इसके बाद में ये सारे कल्ले बड़ी तेजी से चलेंगे और पौधा एक कैनोपी का आकार लेकर चलेगा। तो ये लगभग 1 माह पहले हमने लगाया था, और ये पन्नी जो है ना इसकी, ये देखिए ये पन्नी हमने हटा दी थी, आगे जो पन्नी थी ये हटा दी थी, पौधा कमज़ोर था लेकिन हमारी उम्मीद से ज़्यादा, ये देखिए कितने अच्छे कल्ले चल रहे हैं इसके, ये है। इसी प्रकार ये पौधा देखिए हमारा, इस पौधे को देखिए जो हमने 2 माह पहले इसकी कटिंग की थी, ये देखिए इसको हमने सहारा देने के लिए, तना मजबूत है, बढ़िया पौधा है, नीचे के सब कल्ले हमने हटा दिए हैं, यहाँ से हमने रखे हैं। अब इसको हम एक कैनोपी का रूप देंगे, यानी छाते का रूप देंगे, देखिए इसमें से इतनी टहनियाँ निकली हैं, नई नई शाखाएँ निकली हैं, कि हम सबको नहीं रखेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे को काटेंगे, मतलब एक दूसरे के ये इसको जाएगी और इनमें कंपटीशन होगा, तो हम इनमें से कुछ ही सिलेक्टेड रखेंगे, जैसे इन दोनों को रखेंगे, इन दोनों को रखेंगे, एक इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे, नीचे वाली ये हटा देंगे हम, ये नीचे वाली इसको भी हटा देंगे। इसके बारे में मैं अगले शनिवार को या रविवार को मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार आप इन शाखाओं का चयन करेंगे। ये हुई एक बात, आइए दूसरी बात बताते हैं, एक मिनट, ये देखिए ये एक दूसरा पेड़ है, आप इसे देखेंगे, ये थोड़े दिन पहले लगाया था उसे, इसकी जो ये शाखा है यहाँ पर हमने, ये 2 फीट पर हमने इसको कटिंग कर दी थी यहाँ से, और देखिए कितने अच्छे कल्ले चल रहे हैं इसके, ये देखिए ये हमारा कैनोपी का रूप लेगा इसमें। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस शाखा को देखिए, देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं इसमें, ये देखिए आप ध्यान से देखिए कितनी कलियाँ आ रही है, बहुत छोटा सा है अभी और कितनी कलियाँ, ये पौधा ललित है, ललित है, इस पर भयंकर फ्रूटिंग आती है, ये छोटा सा पौधा है, तो इस पर जो नीचे की तरफ ये आ रही हैं ये कली, इनको हम सबको हटा देंगे, ये हटा दीजिए, ये जड़ में कोई ग्रोथ है इसको हटा दीजिए, और इन सबको हटाने के बाद आप जो है ना पौधा आपका ठीक होगा। ये देखिए इसको हमने जो नया था 1 महीने का पाप पौधा है, इसको हमने लगा दिया, पानी की आवश्यकता दीजिए, इसकी हमने चला रखी है अभी, तो ये जो ये कलियां हैं इसके नीचे वाली, जो नीचे वाली इनको हटा दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं। ये क्या होता है, अननेसेसरी एनर्जी लेती है ना, जो ऊर्जा है पौधे की अब वो ऊपर की तरफ जाएगी, ये देखिए इतनी कलियां आ रही हैं, ललित तो मुझे बहुत पसंद आया था पौधा, ये पौधा देखिए 1 माह का है, देखिए कितना बढ़िया पौधा। ऑफ कोर्स एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये राजस्थान नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये गुजरात नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है, आज भी मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो इस प्रकार ये जो मेरे हुआ है इनको हटाते रहते हैं नीचे से, जो नीचे की सूट होती हैं ये 90% एनर्जी ले जाती है। तो किसान भाइयों आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा बाग लग रहा है, देखिए सब में फुटान आ गई, ये देखिए पूरी लाइन में कितनी अच्छी तरह फुटान है, ये देखिए पूरी लाइन कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए पूरी लाइन को ध्यान से देखिए, ये दो और आप इधर को नज़र दौड़ाइए, आपको लाइन ही लाइन नज़र आएंगे, जो हमारा बाग था बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, और जब हम इसकी जून के प्रथम सप्ताह में एक बार कटिंग करेंगे तो तब ये बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।